बातों बातों में रुतबा से मालूम करो कि वो जेवरात और कागजात लेकर आई है कि नहीं आई। अगर नहीं लाई तो मैं वक्त पे अल्तमश को बताना होगा। दुआ करो रुतबा बेटी, तुम्हारे बाप के हाथों में दुआओं के लिए उठने की हिम्मत और होंठों में हिलने की सख्त बाकी रहे। रुतबा ने धोखा दे ही दिया ना। ऐसा क्या किया रुतबा ने? वो हवेली से खाली हाथ वापस आ रही है। उसका कहना है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं कि अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करा के तुम पे डिपेंडेंट हो जाए। जेवरात और कागजात कहाँ पर है रुतबा?